मौलवी फजल अहमद चिश्ती को मैं करें और ना फजूल चिश्ती हर चिश्ती कम का नहीं होता कुछ चिश्ती फजूल ही होने कम दे चिश्ती पीर इमाम शाह साहब है कम दे चिश्ती और पीर मेर अली शाह साहब है नूर मोहम्मद महार भी है जेडे कम दे चिश्ती है शाह सुलेमान तौंस भी है जनाब की हो जाए मौलविया को मैं अच्छी तरह जानना मैं जमांदरू पीर हाँ मैं जमांदरू इन्हों मौलविया नाल मेरा वास्ता है मैं दस दे विच ही रिया सारी उम्र यो समय मौलविया को मैं ज्यादा अच्छी तरह जानना जेडे वड़िया वड़िया शख्सियात को भौंकन जे वड़िया वड़िया शख्सियात के खिलाफ गाली करन मैं इन्हों को अच्छी तरह जानना इन्हें चेले आदि आदम सिंह आओ तेरी की में हिम्मत आई है इन्हे खिलाफ गाल करने की मैं तुसा सारिया को भौंको दे असा तो कुछ ना आखो तो आगू कह इजाजत दी है कि वे वे एक काजमी शाह साहब को भी बकवासा करी कनु वड्डा ही कोई पिट्टा होया उसी फजूल चिश्ती जेड़ा ना मेरा बात आ रहा मुरीद लेकिन मेरा बात था कोई एक पीर भी इन सिर दे हाथ रखने को तैयार कोई नहीं मेरा बात था एक पीर भी को नहीं आता जनाब है सारा मुरीद है मैं कह जनाब बंदा इतना तरह पिट्टा होया होवे कि बंदे दा पीर भी उपने ने लगन देवे इंदे उस्ताद हैं मुफ्ती मौलाना इरशाद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन मुदर्रिस आलिम दीन मौलाना इरशाद अहमद साहब एक दिहाड़े साडे आस्ताने दे आए मैं मिले ते मैं उन्हां कोलों पुछा मैं कहा सी मैं सुने तुहाडे शागिर्द दे उन्हां आखा सी तौबा अस्तगफार तौबा अस्तगफार उन्हां आखा जनाब भाई को पढ़ा दे असां तंग थी गए एक पढ़ा दे भी असां परेशान थी गए इहो जिहा पढ़ावण करो ना ही पढ़ेंदे तां बेहतर ही जेहड़े मौलवी दा उस्ताद ही उप शागिर्द आखण करों डरे पीर खाना उप मुरीद आखण को भी तैयार ना होवे जेहड़े मौलवी को पीर खाना कबूल करण को तैयार ना होवे मैं कहे को उस्ताद ही कबूल ना करे पीर ही कबूल ना करे तेरा क्या ख्याल है नबी को कबूल कर गए सी केड़ा हुजूर दी आल दे खिलाफ का नहीं करेंदा होवे जब तक पीर कबूल नहीं करेंदे जब तक उस्ताद कबूल नहीं करेंदे सारे इलाके दे विच एक बारी तकरीर करण आया लोग तरावियां पढ़ के गया ते उंदे बाद वाले ऐलान किया ते उंदे चंद जाड़ियां बाद इहदी तकरीर रही सारे इलाके दे विच कल जाए जाए ईद हुण पढ़ाई है ना ई रोयत हिलाल कमेटी दे ऐलान उते ओ सारे काफिर इलाके ने एकलो बंदे खड़े थे ते उन आखा जनाब मेहराबाद अली ने भी पढ़ाई है ते पीर जफर अली शाह साहब ने भी पढ़ाई है ऊ अबू जवाब देता हूं आखा सही इमें नेका दे विच गंदे जम पोंदे होने ते अगू मिसाल लेती हूं आखा नूह अलै सलाम दा पुत्र इमें निकलाई जब नबियां दे विच गंदी औलाद जम पोंदी है ते बल ए पीरां दे विच गंदी औलाद क्यों नहीं जम सकती जे जेले ऊ ई गल की थी ना ते सारे एक मौलाना इमरान बड़े जबरदस्त आलिम दीन इनकारी सजाद अहमद साहब चिश्ती साहब ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਖੜੇ ਕੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਾਟ ਰੱਖੀ ਉਹ ਜਹਾੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਜਹਾੜਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਵਾਲ ਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁਸ਼ਤਿਆਂ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਫਜ਼ਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਕਿ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਜ਼ੀਦ ਹੈ मेरे आखे ना मनो आप पंज सुन के ना इंटरनेट दे उते जे अगर यजीद दे आखे गाल ना करंदा होवे ते मैं को दसा इनके सारी तरफों यजीद ते भी लाना ते यजीद दे तरफदारों ते भी लाना ते अता यो जे मौलवी को मौलवी नहीं समझदे सुनो सारा दा सारा इल्म मिला ही अहले बैत ते घराने च जनाब जेड़ा नबी दियां धीयां दी इज्जत बर्बाद करे ओ कड़ा भी हक ते नहीं थी सकदा सारे वास्ते कल भी इमाम हुसैन हक को ते सारे वास्ते अज भी इमाम हुसैन हक को फलाने नाल मुनाजरा फलाने नाल मुनाजरा मैं के अब्दुल हमीद चिश्ती साहब कई दफा को मुनाजरे दा आखी के बाबा मेरे नाल मुनाजरा कर उन्हें नाल मुनाजरा नहीं करेंदा वो साकु बाल समझते आदे भी जनाब मैं तुहारे नाल मुनाजरा करे ना मैं के जनाब असा यजीदियां को मुंह ही नहीं लेंदे जब सारे मुरीदीन तारे नाल मुनाजरा करना चाहने तुसा नहीं करेंदे जब सारे जनाब ताल्लुकदार तारे नाल मुनाजरा करना चाहने तुसा नहीं करेंदे बड़ी बदबख्ती क्या होसी कि तुहाडे पीर ही तक नेड़े नहीं लगन देंदे तुहाडे उस्ताद ही तक नेड़े नहीं लगन देंदे मैं कि इल्म ओह जिहड़े इल्म दे विचों अदाए मुस्तफा छलके इल्म ओह जिहड़ी इल्म दे विचों हुज़ूर दी मुहब्बत दी खुशबू शेरा दी तरह दीन बयान किया करो।